ईमान सुलेमान पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उभरता हुआ टैलेंट है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ईमान सुलेमान अपने शोहर के साथ घर में जिंदा दिल लम्हात गुजार रही हैं। इसने 2018 में मॉडलिंग और अदाकारी के शोबों में कदम रखा और बहुत ही कम अरसे में वो घर घर में एक नाम बन गई। वो खवातीन के हकूक की आवाज़ की हमायती होने की वजह से जानी जाती हैं और इनके मकसद के लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसा लगता है कि ईमान सुलेमान बुनियादी तौर पर अदाकारी के बरक्स मॉडलिंग पर मरकूज हैं। इन्होंने दुल्हन की मेहमान के लिए मुतअद्दिद मौका पर मारूफ पाकिस्तानी डिजाइनर्स जैसे फहद हुसैन के साथ तआवुन किया है। अगरचा इसे अपने लिबास के इंतखाब की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो ऑनलाइन नफरत करने वालों की परवाह नहीं करती और इनकी मनफी बातों को इस पर असरअंदाज होने नहीं देती। ईमान सुलेमान 2020 में सैयद जमील हैदर के साथ शादी के बंधन में बंध गईं और अपने पेशा वराना कैरियर को जारी रखने के साथ साथ अपने शोहर और ससुराल के साथ काम और जिंदगी में सेहतमंद तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश भी कर रही हैं। 3 साल से शादीशुदा होने के बावजूद इसे अभी तक औलाद नहीं हुई और ऐसा लगता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से भरपूर लुत्फानंदोज होने के लिए वक्त निकाल रही है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ईमान सुलेमान अपने शोहर के साथ घर में जिंदा दिल लम्हात गुजार रही हैं। वीडियो में इसके शोहर को हवा में उछालते हुए देखा गया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बाप एक नौजायदा बच्चे के साथ करता है, जबकि ईमान को अपने जोश और खौफ का इजहार करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में एक दूसरे के लिए जोड़े के प्यार को हल्के फुल्के और तफरीही अंदाज में देखा गया है।